हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया को इसकी में मैं आपकी दोस्त प्रिया आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे आज के क्वेश्चन की तरफ। आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाए जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर जब भी क्वेश्चन भेजा करें तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर कर लिया करें। हो सकता है उस क्वेश्चन पर पहले से वीडियो बना रखी हो मैंने, है ना। तो आज का क्वेश्चन है, आप दोनों चाह कर भी अगर कई सालों से मिल नहीं पाए हो तो क्या ये दूरी अब हमेशा रहेगी या मिल सकेंगे आप? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हर किसी के लिए नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उन लोगों के लिए जिनके बीच में प्यार तो शुरू हुआ पर मिलना मिलाना नहीं हो पा रहा है, कई साल हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी एक नंबर को चूज कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन के साथ अगर आप न्यू हैं तो, और बन जाइए मेरी फैमिली का एक हिस्सा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है लव से जुड़ा हुआ तो आप मुझे वो भी भेज दीजिए। चलिए देखते हैं, 1 नंबर जिसने भी चूज़ किया है आंसर है, ध्यान से देखिएगा, मिलेंगे वो भी 2024 में। तो 2024 में मिलने की उम्मीद है आप दोनों की। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर का आंसर देखेंगे, जिसने भी चूज किया है इस 2 नंबर को, आंसर है मिलेंगे जनवरी तक चांस है पर 50% ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर का आंसर देखेंगे, जिसने भी चूज किया है इस 3 नंबर को, आंसर है नहीं मिल सकेंगे, दोनों की दुनिया अलग अलग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर का आंसर देखेंगे, जिसने भी चूज किया इस 4 नंबर को, आंसर है नहीं मिलेंगे, आप उनका अब इंतजार मत करिए। यानी आपके लाइफ में वो आए इसका इंतजार मत करिए, आप नई दुनिया बनाइए, अपने नया प्यार मतलब तलाशिए, ठीक है। 5 नंबर का आंसर देखेंगे, 5 नंबर पे आंसर है आप दोनों मिलेंगे वो भी किसी की शादी में। तो किसी की शादी में आप दोनों की मुलाकात होने वाली है। तो चलिए आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए बाय।